भोपाल में इस वक्त हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब। सर मैं मतलब आज आपसे जो बात करूंगा, मैं अपनी बात कम करूंगा, मैं बात करूंगा देश की जनता की और खास तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता के मन में कुछ सवाल है। मतलब आप थोड़ा सा बेबाकी से, वैसे अपनी बेबाकी के लिए आप जाने जाते हैं, थोड़ा बेबाक होकर बताएंगे तो थोड़ा मतलब जनता को अच्छा लगेगा। जनता को अब क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने टॉस जीता है या हारा है? मैं तो टीम का सदस्य हूँ, टॉस करने तो कैप्टन जाते हैं। कैप्टन कौन है? भूपेश बघेल। तो कैप्टन भूपेश बघेल हैं, आप टीम के सदस्य हैं, चलिए टॉस जीत उपकप्तान बना दिया गया। उपकप्तान को अभी टॉस जो भी हुआ उसमें आपको बैटिंग मिली या फील्डिंग मिली है? अभी तो खेलने को मिला है, फिलहाल तो बैटिंग ही कर रहे हैं लगता है। तो बैटिंग में आपका ऑर्डर कौन सा होगा, किस नंबर पर बैटिंग करने? मैं नंबर 6-7 वाला हूँ, बोलिंग भी करता हूँ बैटिंग भी करता हूँ क्रिकेट में। ऑलराउंडर। तो आपके कैप्टन क्या है? कैप्टन तो लगता है कि ओपनिंग बैट्समैन है। जी अभी उनका पिछला रिकॉर्ड भी अच्छा है, लगातार रन बना रहे ना। तो आप 6वें 7वें डाउन जब आप जाने की बात अपनी कह रहे हैं तो जाहिर तौर पर ऑलराउंडर से तो ये उम्मीद की जाती है कि मुश्किल के क्षणों में जब टेंशन में खेलती है ना टीम, सामने वाले का एक मतलब एक प्रेशर जब होता है तो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करता है ऑलराउंडर 6वें 7वें राउंड जाने वाला। उसमें अलग अलग प्रकार की स्थितियाँ आती है नंबर 6-7 तक। एक तो शुरू के बैट्समैन ने रन बना लिए हैं और आपको और बड़ा स्कोर खड़ा करना है ताकि सामने वाली टीम को फॉलो ऑन की स्थिति में ला सके। 400-500 बन चुके हैं रन जब आपकी बैटिंग आई। अब आपका काम है कि जल्दी से 600-700 तक स्कोर पहुंचा दो। चलो अब इसमें आपने मतलब मुझे एक दूसरा पहलू है कि सामने का ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर पड़ा है तो आपको स्टेबलाइज करके टेल एंडर्स के साथ में खींच के एक सम्मानजनक स्कोर, एक संघर्षपूर्ण स्कोर खड़ा करना है। आप मान रहे हैं कि कप्तान फर्स्ट ऑर्डर ने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया और आप ज्यादा स्कोर आप बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री आपको बनाया चुनाव के 4 महीने पहले, मतलब ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ चुनाव के लिए टीएस सिंहदेव जैसा बड़ा चेहरा कांग्रेस ने सिर्फ 4 महीने पहले? कई कारणों से निर्णय होते हैं और उसकी टाइमिंग सुनिश्चित नहीं रहती कि इस टाइम में ही करना है। 1 जनवरी आ गई, अब नया साल चालू हो रहा है, 1 जनवरी को घोषणा करनी है, तो ऐसे सब परिस्थितियों में इन समूहों में निर्णय फिक्स्ड नहीं हो पाते। तो जो परिस्थितियां रहती हैं ये भी फ्लूइड रहती हैं। हमने देखा यूपी का चुनाव बीच में आ गया, वो मार्च तक चल गया, 2022 तक। यूपी का चुनाव ख़त्म नहीं हुआ, हमारे यहाँ बजट आ गया, बजट का प्रस्तुतिकरण हो गया, वो ख़त्म नहीं हुआ, तीसरी परिस्थिति आ गई, वो ख़त्म नहीं हुआ, कर्नाटक के चुनाव आ गए, तो कुछ ना कुछ बीच में पंजाब की स्थिति आ गई, वहाँ पर नवजोत जी के साथ जो घटनाक्रम हमने देखा वो आ गया। तो निर्णय लेने में, निर्णय करने में कई परिस्थितियों में हो सकता है कि कई बातों को ध्यान में रख के कभी भी जो लिया जा सकता था निर्णय वो अब हो पाया। लेकिन मैं आपसे, मैंने पहले इंटरव्यू आपसे कई बार किए और आपने माना मुझसे, इंटरव्यू मुझे अच्छे से याद है जब आपने 2.5 साल वाली बात जब होती थी और जब 2.5 साल खत्म हो गए तो आपने मुझसे एक बार कहा था कि अब आगे मुझसे 2.5 साल वाला सवाल मत पूछना। उसमें मेरे से पार्टी ने भी, सीनियर्स ने कहा था कि इसमें कई बार स्थिति अप्रिय सी भी हो जाती है तो 2.5 साल वाली बात पर आप कमेंट मत करिए। हो सकता है कुछ लोगों ने कहा हो कि भाई मीडिया बार बार उनसे पूछता है, कई बार लगता होगा कि प्रायोजित है, बाबा पूछवा रहे हैं। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे से वो सवाल पूछिए, लेकिन सामने वाले को ये लग सकता है कि सवाल प्रायोजित तो नहीं है कि जहाँ जाते हैं वहाँ ये 2.5 साल वाली बात क्यों आ जाती है, कैसे आ जाती है? आ कैसे गई मगर ये 2.5 साल वाली बात तो आई ना। मगर मुख्यमंत्री का चयन जब हुआ था तो दिल्ली में एक मीडिया चैनल ने इस बात को दिखाया था कि ऐसा तय हुआ है। ये 2.5 साल वाली बात जिस दिन भूपेश भाई के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा हुई उस दिन से मीडिया में रहा दिल्ली के। आपको, आपने कभी, आपके एस्पिरेशन कभी भी 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनने के नहीं थे? एस्पिरेशन किसके क्यों नहीं रहते हैं? कब नहीं रहते हैं? हमेशा रहते हैं एस्पिरेशन। एस्पिरेशन एक अलग बात है, उस तक पहुँचने के लिए तरीके अपनाने की बात है वो एक अलग बात हो जाती है। आप कई तरीकों से अपने एस्पिरेशन की फुलफिलमेंट के लिए प्रयास कर सकते हो। मैंने अपने तरीके से बातों को किया। जैसे आपका तरीका वो था कि आपने, आपके पास पंचायत विभाग था, आपने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर अच्छे से नहीं बन रहे हैं और आपने पंचायत विभाग छोड़ दिया, ये भी आपका एक तरीका था, अपनी सरकार के खिलाफ एक तरह से आवाज थी। मैं वहाँ डिलीवर नहीं कर पा रहा था,
मुझे कहा गया था कि आप नंबर 6 पे खेलो, नंबर 6 पे मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, मैं रन नहीं बना पा रहा हूँ, तो मैंने कहा नहीं, मेरे को नंबर 6 पे मत रखो, मैं नंबर 6 पे नहीं खेल पाऊँगा। इसलिए आपने पंचायत विभाग छोड़ ही दिया। सर, अगर हम राजनीति को सांप सीढ़ी का खेल माने, तो अभी आपका ये जो कदम है उप मुख्यमंत्री के बाद, अगली सीढ़ी में कहाँ पहुँचेगी? अभी तो गवर्नमेंट आनी चाहिए, सबसे पहली बात है वो गवर्नमेंट आनी चाहिए। दिल्ली में बैठक भी हुई और बैठक में जो मैं समझ पाया, ये निर्णय हुआ कि कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा और टीम के कप्तान के रूप में भूपेश बघेल हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, और सिटिंग चीफ मिनिस्टर के रूप में वो टीम को लीड करेंगे। मतलब कलेक्टिव लीडरशिप, वो टीम का नेतृत्व करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अभी कहना मुश्किल है कि वो अगला मुख्यमंत्री का चेहरा भूपेश बघेल होंगे या नहीं होंगे। सामान्य तौर पर तो वही होते हैं, अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर से आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर उनको चीफ मिनिस्टर रखेंगे क्यों आप? अगर आपको लगता है कि हमारे को चुनाव जिताने में सिटिंग चीफ मिनिस्टर काम नहीं आएंगे, ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो गए, इनका चेहरा रहेगा तो हम हार जाएंगे। इसके पहले जोगी जी भी थे, स्वर्गीय जोगी जी अब हमारे बीच में नहीं है, तो एकाध चुनाव में उनका चेहरा घोषित नहीं किया था पार्टी ने, पिछले बार कोई चेहरा नहीं था, कई चुनावों में चेहरा रहता है। आपने स्वीकार कर लिया भूपेश बघेल ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, आप स्वीकार कर रहे हैं अगर कांग्रेस जीतती है तो? मैक्सिमम चांस नंबर वन लाइन में कौन खड़े होंगे? भूपेश बघेल। अब की बार 2.5 साल वाली बात नहीं होगी, ये तो सब हाई कमांड के ऊपर रहता है। वह बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रही है, ईडी की कार्रवाइयां आपके यहाँ लगातार चल रही हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लोग आपके यहाँ जेल में भी हैं, मतलब ऐसे में आपको क्या लग रहा है माहौल थोड़ा सा? इसमें कोई दो बात नहीं है कि भ्रष्टाचार मुद्दा रहा है और रहना भी चाहिए। बुफर्स का मुद्दा उठा के उनने राहुल जी पे गलत तरीके से लांछन लगा के सत्ता हासिल भी कर ली थी, उनकी मृत्यु उपरांत कहा गया कि वो निर्दोष हैं, लेकिन बड़ा धब्बा मिस्टर क्लीन के ऊपर लगाने में लोगों को सफलता मिल गई थी। अभी कर्नाटक में हम लोगों ने देखा कि 40% सरकारा के नाम पे चुनाव हुए, एक मुद्दा था, कई मुद्दे थे, उनमें एक ये भी मुद्दा था, बीच में हनुमान जी भी आ गए, केरल लेटर्स भी आ गए, हिजाब का भी मुद्दा था, मुस्लिम रिजर्वेशन को हटाओ, बीजेपी ने बहुत सारे बहुत अच्छे काम किए, सारी चीज़ों के बीच में भी हमने देखा कि कर्नाटक में एक फैसला आया, तो 40% सरकारा का एक मुद्दा वहाँ था, और अगर उनको ये लग रहा है कि वो कहीं असरदार हुआ तो और जगह भी लगाओ, तो छत्तीसगढ़ में वो कह रहे हैं। यहाँ हमारे किस लीडर के ऊपर ये बात आ रही है? वहाँ तो ये हो रहा था कि गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर ने ये किया वो किया, फलाने मिनिस्टर के यहाँ इतने पैसे मिले, उस एमएलए के यहाँ इतने करोड़ रुपए मिले, वहाँ तो ये बात आई, यहाँ किस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ अभी तक बात आई? कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स के ऊपर बात आई है, कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हैं वो लोग, तो कार्रवाई हुई है, लुके छुपे बहुत चीज़ हो सकता है, आप लिंक जोड़ो, आप इंक्वायरी कर रहे हो, आप लिंक जोड़ के बताओ कि मुख्यमंत्री सचिवालय से कुछ हुआ है तो मुख्यमंत्री की जानकारी में हुआ है। कई लोग ऐसे काम कर जाते हैं जिसका बाद में जब बातें उजागर होती है तब कार्रवाई होती है, और वो सीधे लिंक होके बात सामने कभी नहीं आती। मतलब भूपेश बघेल आपकी नजर में मिस्टर क्लीन है, जैसे वो फोर्थ में आप राजीव गांधी की बात। उनकी बात मैं नहीं कह रहा, राजीव जी से उनकी कोई तुलना नहीं है, किसी की और तुलना शायद हो भी नहीं सकती है, मैं उनकी वैसी तुलना नहीं कर रहा। ईडी ने अभी तक एक शब्द ऐसा नहीं कहा है, अभी तक एक शब्द जिसमें भूपेश बघेल को उनने डायरेक्टली लिंक किया हो, उनके सचिवालय के कर्मचारियों को, अधिकारियों को जेल में रखने के बावजूद आज 4-6 महीने हो गए वो जेल में हैं, 4 महीने 6 महीने को समय याद नहीं आ रहा, लेकिन एक शब्द अभी तक ईडी के चार्जशीट में या प्रेस रिलीज में भूपेश बघेल या सरकार के किसी व्यक्ति के संदर्भ में एक शब्द अभी तक नहीं आया। आपके पास एक लंबा अनुभव है कांग्रेस की राजनीति को, आप बहुत करीब से सालों से देख रहे हैं, ये विपक्षी एकता की फिर से एक बार जो बात उठी है, देश के संदर्भ में बात करूंगा, कहां तक पहुंचेगी? आपको लगता है कुछ मटेरियलाइज होगा? ये 1977 के बाद चालू हुआ, उसके पहले ज़्यादातर पार्टी सिंगल अपने तौर पर चुनाव लड़ती थी, जनसंघ थी, कांग्रेस पार्टी थी, अन्य दल थे। 77 में जनता पार्टी का जो प्रयोग हुआ उसने एक सिलसिला देश में चालू कर दिया, मिली जुली सरकारों का मिलके, नेशनल गवर्नमेंट पहली बनी, सभी दल के लोग उसमें थे, नेहरू जी का पहले मंत्रिमंडल में, वो छोड़ दें। उसके बाद 77 से जो ट्रेंड चालू हुआ, तो जनता पार्टी बनी, टूट गई, उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग थे, उसके बाद एनडीए अस्तित्व में आ गया, बीजेपी ने फिर और लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चालू किया, कांग्रेस अलग लड़ती रही, कांग्रेस ने गठबंधन शुरू में नहीं किया था,
फिर जब ये वास्तविकता सामने आने लगी कि इन लोग का साथ लड़ना और कांग्रेस का और अन्य दलों का अलग अलग लड़ना, ये वोट को काट रहा है, तो ये प्रयास हुआ कि कुछ दल साथ में आके चुनाव लड़ें, तो यूपीए बनी। यूपीए एनडीए के बाद में बनी, एनडीए कांग्रेस, फिर एनडीए यूपीए, और अब यूपीए के बाद में ये महसूस हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी 40% से कम वोट शेयर लेके, जो वोटिंग पॉपुलेशन है 40% से कम वोट लेके वो सरकार में बनी हुई है। उनको बहुमत, मतों का बहुमत नहीं है लेकिन सांसदों का उनको बहुमत है, वो 300 से ऊपर सांसद जीत के आ रहे हैं। तो ये वोट डिवीजन मत होने दीजिए, ये जनता बीजेपी को बहुमत दे के नहीं जिता रही है, बहुमत सांसदों का देके जिता रही है, वोट का बहुमत देके देश में नहीं जिता रही है। तो विकल्प क्या है, आप ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि जो वोट बट रहे हैं वो कम से कम बटे। वोट जो बट रहे हैं इसमें अभी भी आपसे पूछूं, अगर कौन होगा विपक्ष का चेहरा, कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा, कौन है दल से? आपने देखा कि लीडर्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, टीआरएस जो बीआरएस के रूप में है वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नीतीश कुमार है वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ममता जी कभी कभी अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं, कांग्रेस के तरफ से निर्विवाद रूप से राहुल जी कांग्रेस पार्टी के तरफ से प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री के गठबंधन बनेगा। तो मुझे लगता है कि दो विकल्प हैं, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो चुनाव के पहले सब कोई तय कर लीजिए कौन होंगे, या चुनाव के बाद में जिनकी जैसी सीटें आएंगी उस हिसाब से फिर आप देखिए। सिंहदेव साहब की सबसे पहली पसंद राहुल गांधी। कौन सर? राहुल गांधी। आखिरी सवाल पूछूंगा सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है देश की आज की राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि बीजेपी प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी भोपाल आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने बात कही और उन्होंने कहा देश को इसकी ज़रूरत है, विपक्ष यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़का रहा है। आपकी नज़र में यूसीसी कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी ज़रूरत है इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की? विपक्ष ने तो यूसीसी की बात ही नहीं की, तो विपक्ष यूसीसी में भड़काएगा क्या? आपका कारगिल युद्ध खत्म हो गया, एक मुद्दा, सर्जिकल स्ट्राइक खत्म हो गए, पुलवामा खत्म हो गया, राम मंदिर खत्म हो गया, 370 खत्म हो गया, अब क्या? राम जी की बात करने वाले लोग हमको कितने आज जय श्री राम करते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। आप मन से, भावना से, अंतरात्मा से राम जी के ऐसे अनुयायी हैं जो पहले हम बोली सुनते थे, जय श्री राम के नारे बहुत सुनाई देते थे, आज वो कहाँ हैं? अर्थात आपने इन सब का एक राजनीतिक उपयोग के लिए मुद्दे का इस्तेमाल किया, सफलता मिली आपको, दो सीट पे आप थे, आज आप क्लियर मेजॉरिटी से एनडीए के रूप में आप बैठ रहे हो। इस चुनाव में क्या मुद्दा है? आपने कहा कि हमारी पॉलिटिक्स क्या रहेगी, एस्पिरेशनल रहेगी। राम मंदिर आपने रखा ही नहीं था अपने घोषणा पत्र में, राम मंदिर को रखा ही नहीं था। आपने युवाओं के लिए कहा कि हम तो आपके भविष्य के लिए चिंतन करके आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बनाना चाहते हैं, 2 करोड़ रोजगार हर साल हम सृजन करना चाहते हैं। उनने राम मंदिर नहीं रखा, दूसरा चीज नहीं रखा। अभी इनने इस्तेमाल उत्तर कर्नाटक के चुनाव में इस्तेमाल कर लिया, जो बात हम लोग अभी कर रहे थे, हनुमान जी, केरल लेटर्स इत्यादि इत्यादि, सफलता नहीं मिली। तो अब क्या? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इनके इस चुनाव का एक मुद्दा है, पोलराइजेशन करने का। विवेकानंद जी ने कहा कि विश्व में एक धर्म होना चाहिए, यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए। तो आपको अगर मानवता की वैसी चिंता है तो विवेकानंद जी की उस विचारधारा पे आप क्यों नहीं देश को एक कर रहे हो, पूरी दुनिया को? अब तो आप विश्व के लीडर हो गए, आप तो विश्व के लीडर हो गए। तो आप कहो कि क्रिश्चियनिटी नहीं होगी, इस्लाम नहीं होगा, हिंदू धर्म नहीं होगा, पारसी धर्म नहीं होगा, सारे धर्म, सब एक मानव धर्म होगा, जो विवेकानंद जी ने भी जिस बात का उल्लेख किया था अपने जीवन काल में। सर, जो यूसीसी है, आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है हम समर्थन करेंगे, उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो भी समर्थन करते दिख रही है, तो ये तो विपक्ष में दरार पड़ जाएगी सिर्फ यूसीसी के मुद्दे पे? कई मुद्दे ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक मत ना हो, कई मुद्दे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे जो चुनाव लड़ते हैं उसका मुद्दा ना बने। आज ही मैं कपिल सिब्बल जी का इंटरव्यू देख रहा था, एक चैनल में आ रहा था, मैं पूरा देख नहीं पाया, और उनने वो बोलना चालू किया था कि जब पार्लियामेंट में इस पे डिबेट हो रहा था संविधान बनाने के लिए, जब सब साथ में बैठे हुए थे, तो गोलवलकर जी ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। गोलवलकर जी के शब्दों का उनने पाठन किया
आज कपिल सिब्बल जी ने कि असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गोलवरकर जी ने ये कहा। तो जब ऐसे विचार हैं तो कोई भी चीज गले में ठूसनी नहीं चाहिए। यूसीसी है, हम बहुमत में है तो पार्लियामेंट में हम पास कर देंगे, ये देश का नहीं है। सिख समाज का क्या मत है, आदिवासी समाज का क्या मत है, पारसी समाज का क्या मत है, मुस्लिम समाज का क्या मत है, अन्य समूह है उनका क्या मत है, ये देश है ना, सबका मत लेना चाहिए, सबका मत लेना चाहिए। सिंहदेव साहब, बस मतलब उप मुख्यमंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता को मतलब एकदम ऑनेस्टी से जवाब बताइएगा सर, आप खुश हैं? मैं संतुष्ट रहता हूँ, संतुष्ट हूँ। संतुष्ट और खुश होने में फर्क होता है, खुश हैं क्या? खुश और दुखी नहीं होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। गीता ने कहा है संभव। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री जो कि कह रहे हैं वो संतुष्ट हैं उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, खुश और जैसे कहते हैं ना सुख और दुख में से नहीं बांटना चाहते। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज 18 इंडिया।